प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण अभियान पर विस्तार से तो कुछ नहीं कहा, मगर यह जरूर कहा कि पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी। इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझाव के आधार पर काम कर रही है। सरकार ने पहले चरण के लिए 4 प्राथमिकता समूहों की पहचान की है। इनमें जरूरी सेवाओं से लेकर ऐसे लोग शामिल होंगे जिन्हें कोविड-19 से खतरा है। पीएम मोदी ने इन ग्रुप्स के बारे में भी बताया। ये 4 प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन लोग होंगे, आइए जानते हैं। नंबर 1, कोरोना के टीके सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को। पहला प्रायोरिटी ग्रुप है हेल्थ वर्कर्स का। इनमें वो लोग हैं जिन्हें महामारी की शुरुआत से लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ इस ग्रुप में शामिल होंगे। चूंकि ये कोविड मरीजों के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा इन्हें ही है। ऐसे में टीके पर सबसे पहला अधिकार इन्हीं का होगा। नंबर 2, फिर आएगी फ्रंटलाइन वर्कर्स की बारी। सरकार का दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप है फ्रंटलाइन वर्कर्स का। हेल्थ केयर के अलावा कई ऐसी सेवाएं रही है जिन्होंने महामारी के समय में भी नागरिकों का ध्यान रखा है। सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम जैसे सेक्टर्स इसका हिस्सा होंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें देश की डिफेंस और सिविक जरूरतों का महामारी के वक्त ध्यान रखा है, इसलिए कोविड वैक्सीन की लिस्ट में उनका नंबर 2 होगा। नंबर 3, तीसरे ग्रुप में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग। पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद ऐसे लोगों को टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कोविड-19 का प्रभाव इससे ज्यादा उम्र वाले लोगों पर अधिक देखने को मिला है। मौतों के आंकड़े भी 50 साल से ज्यादा उम्र वाले मरीजों में ज्यादा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन्हें वैक्सीन पहले मिले। सरकार ने बुजुर्ग लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd पर रखा है, यानी अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपको पहले चरण में ही टीका लग जाएगा। नंबर 4, 50 से कम उम्र वालों को भी टीका। लेकिन 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऐसे लोगों का होगा जो 50 से कम उम्र के होंगे। उन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल हैं। यह पहले चरण का दूसरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी ग्रुप होगा। 2 या उससे ज्यादा बीमारियों वाले लोगों को हल्के, मॉडरेट और गंभीर में क्लासिफाइड किया जा सकता है ताकि उस हिसाब से टीकाकरण के लिए बुलाया जाए। पहले चरण से किडनी की हल्की बीमारी या मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को बाहर रखे जाने की संभावना है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।